So we will study molar volume. What is the molar volume of the gases? It is actually for gases, not for solid or liquid. ठीक है, ये gases के लिए है. अच्छा, होता क्या है molar volume? What is the molar volume? कि एक मोल किसी भी गैस का, one mole of any gas, ठीक है, occupies how much volume? Occupies 24 dm cube volume at room temperature and pressure. ठीक है, हमारे पास room temperature और pressure होगा तो उसके ऊपर 24 dm cube room temperature and pressure. गैस कौन सी है? इट डजंट मैटर, विच एवर द गैस इज दैट, इट डजंट मैटर. इट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम. ओके, सो मोलर वॉल्यूम. सो लेट मी टेल यू, कार्बन डाइऑक्साइड है, मास इसका कितना है? 44. ठीक है, ए एम यू है, तो हम इसको मोल अगर देखें तो मोल पर ग्राम पर मोल, ठीक है, 44 ग्राम है इसका मास, यानी कि इसके अंदर एक मोल है, तो वॉल्यूम इसका कितना होगा? 24 डी एम क्यूब होगा. इस तरह आपके पास हाइड्रोजन है, लेकिन इसका मास कितना है? 2 ग्राम पर मोल, ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक मोल है, एक मोल है तो उसके अंदर वॉल्यूम कितना होगा? 24 डी एम क्यूब. इट डजंट मैटर द वट इज़ द मास ऑफ दोज गैसेस और विच टाइप ऑफ दोज गैसेस आर, जब उसका एक मोल आ रहा हो और रूम टेम्परेचर और प्रेशर ये कंडीशन हों तो उसका 24 डी एम क्यूब मस्ट है. ठीक है, सो इन दिस वे विच एवर द गैस इज वन मोल ऑफ, अच्छा अब अगर दो मोल की बात करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी टू मोल्स हैं, ठीक है, तो 2 × 24 तो ये 48 डी एम क्यूब बन जाएगी, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर. इस तरह H2 है, उसकी अगर आप 3 मोल हैं सपोज, ठीक है, तो 3 × 24 तो इट बिकम्स 72 डी एम क्यूब. So it means with the increase of number of moles, the volume will be increased at room temperature and pressure. Okay, so room temperature is 25 centigrade. Temperature जो होता है वो 25 centigrade होता है room temperature, और जो pressure होता है वो 1 atm होता है. Okay, remember it. अच्छा, तो अभी ज़रा इसका formula देख लेते हैं. हमारे पास number of moles of the gases. If we have to find the number of moles of the gases, so we have two methods. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द मोल ऑफ गैसेस. तो एक तो सिंपल वही तरीका है कि आपके पास उसका गिवन मास हो, यानी कि व्हाट इज़ द मास ऑफ दैट दैट गैस दैट सब्सटेंस, सब्सटेंस ही उसको कहेंगे क्योंकि प्योर थिंग है, ठीक है, प्योर मैटर है, तो प्योर मैटर इज कॉल्ड गैस सब्सटेंस, तो उसका मोलर वॉल्यूम हो गया. ठीक है, दिस इज फॉर दिस इज दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ द सब्सटेंसेस. ओके, इधर एलिमेंट्स आर द कंपाउंड्स, ठीक है, मोलर वाली मोलर मैस हुई. ठीक है, तो दूसरा तरीका जो है इसका वो है कि इफ़ वी नो द इट्स वॉल्यूम्स, ओके, सो वी कैन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स. मोल्स इज इक्वल टू मोल ऑफ गैस, दिस इज ओनली फॉर गैसेस, दिस इज ओनली फॉर गैसेस. ओके, तो इसमें क्या करेंगे, ये गिवन वॉल्यूम है एंड डिवाइड बाय 24 डी एम क्यूब. इफ द गिवन वॉल्यूम इज इन द डी एम क्यूब एंड इफ द गिवन वॉल्यूम इज सी एम क्यूब देन इट विल बी 24,000 सी एम क्यूब. ओके, मोल यू हैव टू फाइंड इट्स गिवन वॉल्यूम मीन्स गिवन आर प्रोवाइडेड वॉल्यूम. हमसे कहा जाता है कि इस गैस का रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे इतना वॉल्यूम है, दैट इज इन द सी एम क्यूब. इफ इन द सी एम क्यूब देन वी विल डिवाइड इट बाय द 24,000, ओके, सी एम क्यूब. ओके, सो 25,000 सी एम क्यूब, सी एम क्यूब विल बी कैंसिल द सी एम क्यूब एंड वी विल गेट द मोल. अच्छा, अब ज़रा इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं. यू हैव टू फाइंड गिवन वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है किसी भी गैस का, ठीक है, तो आप मोल को मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 डी एम क्यूब के साथ. एंड इफ़ यू हैव टू फाइंड गिवन वॉल्यूम इन द सी एम क्यूब, ओके, then you will multiply the mole with the 24,000s, okay, so you will get in the same. So this formula is only applicable for the
गैसेस। ओके, अभी इसके बाद हम स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ डिसोल्यूशन। सो देर आर सम एग्जांपल्स आई वुड लाइक टू टेल यू विच आर दोज एग्जांपल्स। आपसे कहा जाता है सपोज कि आपके पास यू हैव 40 और यू कैन से 42 DMQ वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर RTP। सो व्हाट यू विल डू, यू कैन फाइंड आउट द, यू हैव टू फाइंड इट्स मोल्स। सो मोल फॉर एनी गैस, दिस इज द 24 DMQ एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ यू कैन से N2। ओके, सो मोल ऑफ N2 कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 24। ठीक है, इसमें रेशियो मेथड आ जाता है। कैसे रेशियो मेथड कर लेंगे इसको, सिंपल मेथड वो ये है कि मोल रेशियो वॉल्यूम। तो 1 मोल होगा किसी भी गैस का एट रूम टेम्परेचर या प्रेशर, तो उसका वॉल्यूम होगा 24 DM³। एंड इफ़ यू हैव 42 DM³ देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स एक्स। तो क्रॉस एक्सचेंज से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 42 इज इक्वल टू 24x एंड x विल बी इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 24। सो यू कैन कैलकुलेट आउट। ओके, सो रेशियो मेथड से भी इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंसंट्रेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, फिर हम स्टोकियोमेट्री की तरफ जाएंगे। ठीक है, इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन द पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इट कैन बी इन ग्राम, इन ग्राम और मोल। ठीक है, डिजॉल्व जो कि हल होती है पर वाले पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यूनिट जब आ जाता है ना, तो उसका मतलब यूनिट, यूनिटी मीन्स 1। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला है आपके पास कंसंट्रेशन इन, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर DM³। यू हैव टू फाइंड कंसंट्रेशन इन ग्राम पर DM³। ठीक है, ये दो किस्म के इसकी यूनिट्स हैं। तो ऊपर जो होगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा ग्राम्स के अंदर। यानी कि सोल्यूट का मतलब है वो चीज़ जो कि कम मिकदार में होती है, ठीक है, और सॉल्वेंट वो होती है जो ज़्यादा मिकदार में होती है। दोनों मिलकर आपके पास सोल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन DM³। ओके, सो इन दिस वे यू विल फाइंड, इफ यू टू फाइंड द मास ऑफ द सोल्यूट, अगर आपके पास मास ऑफ द सोल्यूट आपने फाइंड आउट करना है, तो कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे वॉल्यूम के साथ। ठीक है, यू कैन मॉडिफाई दिस फार्मूला इफ यू वांट टू फाइंड द मास ऑफ सोल्यूट यू टू फाइंड, देन यू कैन राइट कंसंट्रेशन ग्राम पर DM³ में है मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वो DM³ में है। तो यूनिट DM³ से कैंसिल और आपके पास वही जो मास का यूनिट होता है यानी ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो द सेकेंड विच वी मोस्टली यूज वो होती है कंसंट्रेशन इन मोल पर DM³। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब है वो चीज़ जो कि सोल्यूशन के अंदर कम मिकदार में होती है इन मोल्स। ओके, एंड देन डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन दैट इज आल्सो इन DM³। ओके, इसको रीअरेंज करोगे तो आप देख लें कि अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो कंसंट्रेशन और ये सोल्यूशन आपस में क्या, वॉल्यूम से सोल्यूशन आपस में मल्टीप्लाई। इसको सी इज इक्वल टू N/V भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सी मीन्स कंसंट्रेशन इज इक्वल टू N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ओवर V मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। डेफिनेटली वॉल्यूम सोल्यूशन का ही होता है, उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, सो आर यू कैन से दैट N इज इक्वल टू CV। कंसंट्रेशन को V के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो यू कैन बी गिवन डिफरेंट एग्जाम्पल्स फॉर दिस। सो इन द सेम वे आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल कि आपके पास क्या है कि
कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ द डीम क्यूब हाइड्रोक्साइड इज, आपके पास कंसंट्रेशन है किसकी, ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की, कितनी कंसंट्रेशन है? आप ज़रा देखें, इसमें 0.10 मोल पर डीम क्यूब। ओके, तो ये आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। और फिर आपके पास उसका वॉल्यूम है ऑफ NaOH, वो कितना है, 3 dm³। तो कहता है इसके अंदर आप मोल्स फाइंड आउट करें, ठीक है। तो देखें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। हम जानते हैं कि सी, वी नो दैट सी इज इक्वल टू एन ओवर वी, वी हैव टू फाइंड द मोल्स, सो एन इज इक्वल टू सी वी, मीन्स कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम। सो व्हाट विल बी हेयर, कंसंट्रेशन इज 0.10 मोल पर डीएम क्यूब एंड वी इज द 3 dm³ वॉल्यूम, ठीक है। तो ये डीएम क्यूब, डीएम क्यूब से कैंसिल, इट विल बी मल्टीप्लाई 0.30 यूनिट विल बी मोल। दिस इज द सिंपल वे। तो ये तो बेसिक कैलकुलेशंस हैं। अब हम मेन की तरफ चलते हैं, जो कि एम है टुडेज टॉपिक, दैट इज स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, व्हाट इज स्टोकियोमेट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं, उनके दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। मींस वी गिव द क्वांटिटी, इफ वी नो द क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स देन वी कैन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, इसमें जो रूल्स होते हैं कि अच्छा, इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, यानी कि हमने कुछ अज्यूम करना होता है, वी हैव टू अज्यूम। एक तो यह है कि इट इज़ द कंप्लीट रिएक्शन, इट इज़ कंप्लीट रिएक्शन। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि ये रिवर्सिबल है, यानी कि इसमें सारा का सारा रिएक्टेंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नो फर्दर रिएक्शन अकर्स, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट मजीद आगे रिएक्शन करता है, ऐसा नहीं होगा। नो फर्दर रिएक्शन अकर्स, ये दोनों चीज़ें हमने अज्यूम करनी होती हैं। समटाइम ऐसा हो भी जाता है, लेकिन इन दैट केस इट इज़ नॉट अप्लीकेबल। ओके, तो हम स्टोकियोमेट्री के अंदर ये दो चीज़ अज्यूम करते हैं कि ये कम्प्लीट रिएक्शन है और फर्दर रिएक्शन इसके अंदर नहीं होता। अच्छा, इसमें दो लॉ भी अप्लीकेबल होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि इसमें जितना रिएक्टेंट्स का मास होता है, इतने प्रोडक्ट्स का मास होता है, ठीक है। ये यानी कि मास कंजर्व रहता है, और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन में एनर्जी, यानी कि अगर रिएक्टेंट्स बनने में रिलीज हो रही है, तो वही प्रोडक्ट्स बनने में रिलीज हो रही है, तो वही प्रोडक्ट्स जब टूटेगा तो गेन होगी, ठीक है। उसका रिवर्स, सेम एनर्जी अज्यूम हो जाएगी, यानी कंज्यूम हो जाएगी। सो मीन्स गोइंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड कमिंग फ्राम द रिएक्टेंट्स इक्वल होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी इसके अंदर क्या होती है, कंजर्व होती है। तो ज़रा इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारे पास एक होती है Fe2O3 प्लस 3CO गिव राइज टू, दिस इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल, 2Fe, ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होती है, 2Fe प्लस 3 CO2। अब देखें,
इसको ना हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसके अंदर जो अब एक रेशियो है वो रेशियो कांस्टेंट रहती है, और रेशियो क्या होती है, मास की, वॉल्यूम की होती है, सॉरी मोल्स की। इसका एक मोल, ठीक है, Fe2O3 का 3 मोल ऑफ कार्बन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ Fe यानी आयरन का देता है, और साथ 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के देता है। ये कंसंट्रेशन, ये जो आपस में रेशियो है, ये कांस्टेंट रहती है। इसको देखते हुए हम इसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। सपोज वी हैव बीन गिवन मैस, तो हम मैस से मोल के अंदर जाकर फिर मोल्स को मोल के साथ कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके जो मोल्स आएंगे, हम उससे फिर उसके आगे मैस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास हो, आप इसके मोल्स हैं और इस मोल्स को इसके मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके मोल से आगे इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन फाइंड मोल टू, अच्छा हमारे पास अगर इसका वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम से हम इसके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके मोल से फिर आगे इसके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना वॉल्यूम है। लेट्स डू इट, इसे देखते हैं। सॉरी, 3 Fe2O3 प्लस 3 CO गिव राइज टू 2 Fe प्लस 3 CO2। अच्छा, होता क्या है कि हमारे पास, वी आर टोल्ड दैट यू हैव 30 ग्राम ऑफ Fe2O3 एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वॉल्यूम, सॉरी व्हाट इज द मास ऑफ दिस। मास टू मास रेशियो करते हैं, तो हमने 30 ग्राम से क्या करना है, सबसे पहले इसका मोल फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज इट्स मोलर मास, Fe2O3 का मोलर मास कितना होता है। इसको होता है 56 मल्टीप्लाई 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3। सो Fe2O3, द मोलर मास ऑफ Fe2O3 इट बिकम्स 112 प्लस 48, इट बिकम्स 160 ग्राम पर मोल, ठीक है। सो वी नो दैट, अब इसके वाली मोल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको मोल मोल रेशो आप कर लें मैस, इसका एक मोल है तो इसका मैस बनता है 160, और अगर इसका मैस 30 ग्राम है तो इसके कितने मोल होंगे, एक्स कर लें। सो 160x इज इक्वल टू 30, एंड एक्स इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 160, ओके, विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस वन। लेट्स डू द कैलकुलेशन। सो 30 डिवाइडेड बाय 160, इट बिकम्स हमारे पास 0.1875 मोल्स आ गया। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं आगे, कि Fe2 का एक मोल इसकी 2 मोल्स बना रहा है, ठीक है। Fe2O3 रेशो Fe, तो इसका एक मोल इसके 2 मोल्स बना रहा है, और अगर इसके हैं 0.1875 मोल्स, तो इसके कितने बनाएंगे, एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0.1875, ओके। सो इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास 0.375, ठीक है। लेकिन हमने इसका मास फाइंड आउट करना है, वी नो दैट मोल रेशो, दोबारा कर लेंगे इसको। यहाँ तक क्या किया, अब आगे हम क्या करते हैं कि मोल रेशो मास, ठीक है। इसका एक मोल 56 ग्राम, ठीक है ना, इसका 56 होता है, और अगर इसके 0.375 है तो इसका एक्स, आपस में ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 0.375, ये बन जाता है 21 ग्राम।
है तो जरा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। हमने दिस इज व्हाट हैपन्स, व्हाट वी हैव द मास ऑफ द Fe2O3। ओके वी हैव दिस बैलेंस केमिकल इक्वेशन जिसमें हम देखते हैं Fe2O3 का 1 मोल 3 मोल ऑफ कार्बन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ Fe यानी आयरन का देता है और 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सो वी हैव बिन गिवन दैट यू हैव 30 ग्राम ऑफ द Fe2O3 विच गोज थ्रू द ऑल दिस रिएक्शन एंड वट इज़ द अमाउंट ऑफ द मास प्रोड्यूस ऑफ Fe। ठीक है, इसके 30 ग्राम जब हम इसको यूज़ करेंगे तो Fe के कितना कितना मास प्रोड्यूस होगा। तो हमें क्या चाहिए, हम जो आपस में कंपेयर कर सकते हैं वो इसके मोल्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसके 30 ग्राम से इसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज़ द मास, व्हाट इज़ द मोलर मास वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो हमने इसका मोलर मास फाइंड आउट किया, दैट इज़ द 160 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो व्हाट इज़ दिस गिवन मास है 30 ग्राम। तो हमें पता है कि 1 मोल के अंदर इसका 160 ग्राम होते हैं और अगर 30 ग्राम होंगे तो कितना मोल होगा एक्स। सो वी डू कैलकुलेशन, वी गेट टू नो दैट दिस मच नंबर ऑफ मोल्स आर देयर इन 30 ग्राम। 30 ग्राम में इतने मोल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सो वी कंपेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस। ओके, मीन्स आयरन हैज़ 2 मोल्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम द 1 मोल, यानी कि इसका 1 मोल जब रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑफ आयरन प्रोड्यूस होते हैं। सो वी कंपेयर 1 मोल ऑफ Fe2O3 रिएक्ट विद द 2 मोल टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ आयरन। तो ज़रा देखें अगर इसके इतने मोल्स होंगे तो कितने मोल्स इसके बनेंगे, तो इसका ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा यहाँ तक इसके मोल्स आ गए, यानी कि वी कैन फाइंड इट्स मोल्स टू मोल रेशो। ओके, अच्छा उसके बाद फिर आगे इसका मास फाइंड आउट करना है, तो वी कैन फाइंड दैट 1 मोल ऑफ दिस Fe कंटेन्स 56, देन दिस मच वी हैव नंबर ऑफ मोल्स एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द मास प्रोड्यूस्ड, यू कैन सी ओवर हियर। ओके, तो सिंपली आई वुड लाइक टू से दैट वी हैव सम अदर एग्जांपल वी कैन शेयर ओवर हियर। ये देखें जरा, जिंक प्लस H2SO4 इट प्रोड्यूसेस जिंक सल्फेट प्लस H2। ज़रा देखें आप इसमें ना, जो आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं वो मोल टू मोल है। ठीक है, हमने किसी भी तरीके से ना इसके क्या क्या करना है, मोल्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह इसके मोल्स तक पहुँच सकते हैं। इफ़ वी हैव द मास तो हम इसके ऊपर मोलर मास को डिवाइड करके हम इसके मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इफ़ वी हैव, इफ़ देर इज़ एनी गैस, अगर यहाँ पे कोई गैस है तो और इसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है उसके ऊपर 24 DMQ कर लेंगे। ठीक है, उसका हम पहुँच सकते हैं उसके मोल तक, मकसद मोल तक पहुँचना है। ठीक है, इफ़ वी हैव दिस इज द मास। ओके, आगे आप देखें तो हमारे पास अगर इसकी कंसनट्रेशन है, दिस कैन बी द एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, अगर हम इस हमारे पास इसकी कंसनट्रेशन है तो एन इज इक्वल टू सी वी, तो कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई बाय इट्स वॉल्यूम, ओके, इज इक्वल टू मोल। ठीक है, ये आपके पास हो सकता है। एंड इफ वी हैव इट्स पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन यानी एवोगाड्रोस नंबर 6 × 10⁻²³, सो वी गेट द नंबर ऑफ मोल्स। सो बाय एनी मेथड वी गेट द मोल्स, और जब हमारे पास मोल्स आ जाते हैं किसी भी मेथड से तो हम इस मोल को उसके मोल के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सो वी गेट टू नो द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स एंड इन द सेम वे वी कैन गेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स। इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट्स के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय रेशियो मेथड। इफ़ वी हैव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो हम इसको आपस में कंपेयर करके एक दूसरे के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके मोल से उसके मोल्स हम फाइंड आउट करेंगे रेशियो मेथड से। अब फिर उसके जब मोल्स हमारे पास आ जाएंगे तो हमें उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए, वी कैन फाइंड इट आउट। ओके, सो हेयर वी हैव, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको ज़रा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दिस इज रिटर्न दैट यू हैव जिंक प्लस रिएक्ट्स विद H2SO4, सो इट प्रोड्यूसेस जिंक सल्फेट एंड देन हाइड्रोजन। ओके, दिस इज द गैस। लेट मी टेल यू दिस जिंक इज सॉलिड, H2SO4 इज द एक्वा सोल्यूशन। ओके, एंड द नेक्स्ट जिंक सल्फेट इज द, इट इज ऑल्सो एक्वा सोल्यूशन, ओके, सॉल्युबल इन वाटर एंड दिस इज द गैस विच इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, वी आर टोल्ड दैट यू हैव 0.805 ग्राम ऑफ जिंक सल्फेट, 0.805 ग्राम ऑफ जिंक सल्फेट। ओके, सो दिस इज द मास ऑफ द जिंक सल्फेट when the zinc reacts with the sulfuric acid, so you have to find that, अच्छा दिस इज़ द इन एक्सेस,
ये हमारे पास एक्सेस में है, ये लिमिटिंग में है, ठीक है। अच्छा अब ये आपस में रिएक्शन हो गया, इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। सो कैलकुलेट द मैस ऑफ द जिंक, यू टू फाइंड द मैस ऑफ द जिंक, व्हाट वाज द मैस ऑफ द जिंक। हम क्या करेंगे यहाँ इसके मैस से, हम इसको मैस डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते, नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे। सो वी नो दैट द मैस ऑफ द जिंक सल्फेट इज मोलर मैस, ओके। सो मोलर मैस ऑफ द जिंक सल्फेट इज जेड एन एस ओ फोर। लेट मी टेल यू, जिंक का 65 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड 4 64 हो गया, ठीक है। सो इट बिकम्स लेट मी टेल यू, इट बिकम्स 96 प्लस 65 161, ठीक है, ये 161 हो गया। सो यू डिवाइड इट बाय 161 ग्राम पर मोल, यू फाइंड आउट फर्स्ट द मोलर मैस, ओके। यू टेल दैट द मोलर मैस ऑफ जिंक सल्फेट इज दिस वन, ओके। सो देन यू डिवाइड इट बाय द 161, सो यू गेट द नंबर ऑफ मोल्स। लेट मी टेल यू, 0.805 डिवाइडेड बाय 161, यू गेट 0.005 मोल्स। यू गेट टू नो दैट इट हैज दिस मच मोल्स। नाउ फ्रॉम द मोल्स ऑफ जिंक सल्फेट यू कैन फाइंड द मोल्स ऑफ जिंक, ओके। मोल टू मोल देखें, हम इसके मोल टू मोल रेशियो को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखें आप, यू विल गेट टू नो द जिंक रेशियो, जिंक सल्फेट, इसका एक मोल रिएक्ट करता है तो उसका भी एक मोल बनता है, 1:1 हो गया। और अगर इसके 0.005 मोल है तो इसके कितने बनेंगे, एक्स। सो यू विल गेट टू नो दैट द सेम नंबर ऑफ मोल्स आर फाउंड ऑफ जिंक, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू बाय मल्टीप्लाइंग 1, इट डजंट चेंज, ओके। तो मोल्स ऑफ जिंक इज द, ठीक है, इज एक्स। तो यू नो दैट एंड देन इफ यू नो द नंबर ऑफ मोल, सो अब इसका मैस फाइंड आउट करना है तो इसके मोल्स कितने हो गए, 0.005। सो यू नो दैट मोल रेशो मैस, तो इसका एक मोल का मैस जो होता है 65 होता है और इसका मोल कितना 1 हो गया। एंड इफ यू हैव 0.005 देन व्हाट विल द मैस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0.005 मल्टीप्लाई बाय 65, सो इट बिकम्स 0.325 ग्राम, ठीक है। तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास बेसिकली इतने ग्राम था जिंक था, ठीक है, जिसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो कि एक्सेस में था इसके साथ रिएक्शन किया, ठीक है, और ये पहले कंज्यूम हो गया, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कि पहले कंज्यूम हो जाता है ड्यू टू इट्स लीस्ट अमाउंट। तो ये पहले कंज्यूम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से आगे जंग सल्फेट बना जिसकी ये अमाउंट है। तो देखिए हमने इसके जो हमारे पास जिसको मैस था, ठीक है, उसके मैस के ऊपर हमने इसके मोलर मैस डिवाइड करके इसके मोल्स फाइंड आउट किए, इसके मोल से इसके मोल्स फाइंड आउट किए, ठीक है, बाय रेशियो मेथड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द इन द इफ़ वी हैव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमें रेशो देती है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड हमारे पास है कि इसका एक मोल इसके एक मोल के साथ रिएक्शन करके आगे इसका एक मोल बना रहा है और इसका भी एक मोल बना रहा है। सो इन दिस वे वी गेट टू नो दैट बाय रेशो मेथड हमारे पास इसके मोल्स आ गए हैं, ठीक है। एंड बाय मल्टीप्लाइंग द मोल्स, इसका एक मोल 65 ग्राम कंटेन करता है और अगर इसके 0.505 मोल्स होंगे तो कितना होगा एक्स, ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन में हम आई एम गोइंग टू एक्सटेंड दिस क्वेश्चन, व्हाट विल द वॉल्यूम दिस वॉल्यूम ऑफ दिस चलें जी, जेड एन प्लस एस टू एस ओ फोर, जेड एन एस ओ फोर प्लस एस टू, वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि इफ़ यू हैव 0.805 ग्राम्स ऑफ जिंक सल्फेट, सो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस प्रोड्यूस्ड। देखें इसके ऊपर वही 161 इसका मोलर मास ग्राम पर मोल हम डिवाइड करेंगे, व्हाट विल द मोल्स, द मोल्स विल बी एज वी हैव सीन अबव, कितने होंगे इसके मोल्स, 0.005 इसके मोल्स आ गए, इसके मोल से इसके मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो रेशो मेथड जेड एन एस ओ फोर रेशो एच टू। तो देखें इसका एक मोल इसका भी साथ एक मोल बन रहा है और इसका 0.005 है तो इसका कितना होगा एक्स, तो एक्स विल बी इक्वल टू 0.005, ठीक है, इसका भी ये मोल्स बन गए। और एट रूम टेम्परेचर प्रेशर पे हम जानते हैं कि
मोल रेशो वॉल्यूम, एक मोल होगा तो 24 dm³ होगा एट रूम टेम्परेचर प्रेशर, वी हैव स्टडी राइट नाउ ओके। और अगर हमारे पास 0.005 होगा तो कितना होगा वॉल्यूम, लेट्स सी, 0.005 मल्टीप्लाई बाई 24, एक्स इज इक्वल टू 0.005 मल्टीप्लाई बाई 24, इट बिकम्स 0.12 dm³। ठीक है, तो हम इसका इस तरह वाली भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस मेथड ओके। तो बेसिकली हमने हमारे पास जो गिवन मैस हो तो उससे भी हमने इसके मोल्स के पास जाना है, मोल से मोल हम रेशियो फाइंड अपने चाहे साथ वाले प्रोडक्ट का फाइंड आउट करना है, चाहे किसी रिएक्टेंट का फाइंड आउट करना है, चाहे रिएक्टेंट से किसी साथ वाले रिएक्टेंट्स का फाइंड आउट करना है, और उससे फिर आगे प्रोडक्ट्स का फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वी हैव मल्टीपल मेथड्स बट वी कैन कंपेयर ओनली मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स विद द मोल ऑफ द प्रोडक्ट्स, आर द मोल ऑफ द रिएक्टेंट विद द मोल ऑफ द रिएक्टेंट्स, आर द मोल ऑफ द प्रोडक्ट विद द मोल ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो हम आपस में मोल्स ही कर सकते हैं, हमने किसी तरीके से भी उसके मैस से, उसके वॉल्यूम से, उसके पार्टिकल से, ठीक है, उसके मैस से, वॉल्यूम से, या पार्टिकल से, या उसकी कंसंट्रेशन से हमने मोल्स तक जाना है। ठीक है, सो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, के वो जो पहले हमने किया था Fe2O3 प्लस 3CO गिव राइज टू 2Fe प्लस 3CO2। ठीक है, अब आपसे कहा जाता है कि इसके ना 72 dm³ रिलीज होता है। ठीक है, अब ज़रा इसका मैस फाइंड आउट करो, यानी कि एक रिएक्शन हुआ है जिसमें 72 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, दिस इज द वॉल्यूम ओके, वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 72 dm³, व्हाट इज़ द मैस ऑफ दिस कंज्यूम्ड, इसका मैस कितना लगा है। तो ज़रा देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इससे इससे हमने मोल्स की तरफ जाना है। ठीक है, तो मोल इज इक्वल टू मोल वॉल्यूम, ठीक है, एक मोल है तो 24 dm³ है, और अगर 72 तो इसके मोल्स क्या है, एक्स, ठीक है, क्रॉस मेथड, तो 24x इज इक्वल टू 72 एंड x इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 24, इट बिकम्स 3, यानी कि इतना वॉल्यूम के अंदर 3 मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ज़रा देखें हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करते हैं Fe2O3 के साथ, लेकिन इसका एक मोल कंज्यूम हुआ था तो उसके 3 मोल्स बने थे, और अगर हमारे पास उसके 3 मोल्स हैं तो कितना होगा, सेम चीज़ आ जाएगी, 3x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/3, तो हमारे पास इज इक्वल टू 1 मोल, इसका मतलब इसका 1 मोल बना है। ठीक है ना, इसके एक मोल से 3 मोल्स बनते हैं ना, तो वही हमारे पास 3 मोल्स आए हैं। ठीक है, 72 dm³ में से कितने मोल्स आए हैं, 3 मोल आए हैं, इसका मतलब इसका एक एक इसका मोल कंज्यूम हुआ है। तो देखें हम इसको मोल रेशो मैस करते हैं, मोल रेशो मैस, इसके एक एक मोल के अंदर कितना मैस होता है, Fe2O3 आई हैव जस्ट फाउंड, ठीक है, कितना होता है, 160 होता है। ठीक है, लेट मी टेल यू Fe2O3 56 होता है, एक आयरन का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो ये 48 प्लस 160 ग्राम पर dm³ बन जाता है। ठीक है, ग्राम पर मोल, तो इसका एक मोल 160 दे रहा है, तो इन द सेम वे इधर भी एक ही मोल बनाया तो सेम आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 160 ग्राम। तो बेसिकली आपने अंडरस्टैंड क्या करना है कि हमारे पास इसका वॉल्यूम था, इसके वॉल्यूम से हमने इसके मोल्स फाइंड आउट किए, और इसके मोल से हमने आगे इसके मोल्स फाइंड आउट किए। ठीक है ना, देखे ना इसका हम कंपेयर किया, और इसके मोल से फिर हमने आगे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया, सॉरी मैस फाइंड आउट किया। तो फाइनली जो हमने मैस अचीव करना था, ठीक है, तो हमने इसके वॉल्यूम से इसके मोल्स फाइंड आउट किए, और इसके मोल से फिर इसके मोल्स फाइंड आउट किए, ठीक है, और फिर इसके मोल्स के बाद इससे इसका मैस फाइंड आउट किया। तो वॉल्यूम से मोल और मोल को मोल से हम कंपेयर कर सकते हैं। यू मस्ट नो दैट कि हमने किसी तरह किसी भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के पहले मोल्स तक जाना है, फिर उसके मोल्स को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसी रिएक्टेंस प्रोडक्ट से जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होगी उसके मोल के साथ हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, फिर हमने जाकर आगे जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमें मोलर मैस चाहिए या जो भी चीज़ उसके लिए दरकार होगी, हम आगे उसको कैरी ऑन कर सकते हैं।